The question is, find the value of k so that the function f is continuous at the integrated point in fx is equal to kx square if x is less than equal to 2 and this is equal to 3 if x is greater than 2 at x is equal to 2k. So let's see how we are going to solve the given problem. So chaliye shuru karte hain. देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के एक बार पार्ट को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपको पीसेज में फंक्शन को डिफाइन करके रखा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है वो है आपका के एक्स स्क्वायर और राइट साइड में जो फंक्शन आपको दिया है वो आपके पास 3 के इक्वल है और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है. तो आपको पता कर रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट पे बात करता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखिए मान के चलिए आपके पास कोई भी एक जनरल कर्व है और लेट द फंक्शन इज और y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये आपके पास एक फंक्शन है और इनकेस अगर ये फंक्शन किसी एक लोकेशन लेट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है. अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो स्टेटमेंट ये है कि at x इज इक्वल टू a फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो फंक्शनल वैल्यू है विच इज एफ ए और जो राइट हैंड लिमिट है ये हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए. अगर ये तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर है तब अपन ये क्लेम करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा. लेकिन इन द क्वेश्चन आपको a पे नहीं 2 पे चेक करना है. तो चलिए अभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर मैं नोट करूं तो फंक्शन हमारे पास है विच इज योर दिस इज इक्वल टू यू कैन चेक इट इट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिस इज के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और ये फंक्शन 3 के बराबर है अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है और ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस भी है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है. अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो लेफ्ट साइड में फंक्शन आपको गिवन है फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए जो फंक्शन गिवन है वो है आपके पास के एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना. जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि दे आर ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन. वो हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं. पर इस क्वेश्चन में क्योंकि ये फंक्शन केवल 2 या 2 के लेफ्ट में ही डिफाइन है तो 2 पे और 2 के लेफ्ट में आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो मिलेगी वही आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिलेगी. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं. ठीक है, इट मींस मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो जानता हूं कि वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ही आएगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. लेकिन हाँ, वो वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर जरूर होनी चाहिए तब जाके ही ये फंक्शन एक्स बराबर 2 पे कंटिन्यूअस क्लेम किया जा सकता है. तो अगर मैं 2 पे फंक्शनल वैल्यू निकालूं विच इज और एफ 2 तो ये आपके पास होगा के इंटू 2 का स्क्वायर या फिर आप इसे 4 टाइम्स ऑफ के लिख सकते हैं. तो ये आपकी फंक्शनल वैल्यू हो गई और जैसा मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन अब आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या है एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो 2 प्लस हम लोग निकालने जा रहे हैं और फंक्शन हमारे पास है 3. अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो 2 के राइट में हर जगह 3 ही देगा, है ना. तो आप इसे डायरेक्टली 3 के इक्वल भी लिख सकते हैं. मतलब फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है फंक्शनल वैल्यू के जो कि इक्वल टू है 4k के और ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के भी. अब राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3k इक्वल, इट मींस 4k की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 3k और यहां से अगर आप k की वैल्यू पे कमेंट करें देन दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द k फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू